गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज पूरे विश्व के सामने कोरोना वायरस एक विशाल चुनौती के रूप में खड़ा है। हमें अपने धैर्य, साहस, सहनशीलता, संयम और संकल्प का परिचय देते हुए इस चुनौती को मात देकर इससे बाहर निकलना है। यह विकट परिस्थिति हमारे लिए चुनौती भी है और एक अवसर भी है। इस विशाल चुनौती को अवसर में परिवर्तित करने के लिए आपका विद्यालय आप लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक ऑनलाइन चैनल की व्यवस्था किया है, जिससे आपका पठन पाठन बाधित न हो। आप सभी टेलीग्राम चैनल, जो कि बांसबेड़िया गैंजिज हाई स्कूल का चैनल है, उससे जुड़िए और अपने सहपाठियों को इससे जुड़ने में मदद कीजिए। प्रतिकूल परिस्थितियां आपके पठन पाठन को प्रभावित न कर सके, इसके लिए हम सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं प्रयासरत हैं। बच्चों, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाए, मंजिल तक पहुंचने का जुनून कम नहीं होना चाहिए। आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम सब आप लोगों के साथ खड़े हैं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो चलो हम अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। बच्चों, आज हम लोग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के अंग के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास 11 में हम लोग सरकार के विभिन्न रूपों की चर्चा कर चुके हैं। सरकार के अंग समझने से पहले सरकार क्या है थोड़ा रिकॉल कर लें। राज्य, सरकार, संविधान, मानव संगठन, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का मूल विषय वस्तु है। सरकार क्या है? सरकार वह है जो देश के नागरिकों के अस्तित्व के विकास के लिए काम करती है या कानून बनाती है। यानी गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर सिटीजन्स। यानी सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करती है। सरकार और राज्य में गहरा संबंध है। राज्य का जिक्र किए बिना सरकार की कल्पना करना बेबुनियाद है। तो बच्चों, राज्य क्या है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। राज्य क्या है? राज्य एक मूर्त अवधारणा है। यह सरकार के माध्यम से अपने कार्यों का संपादन करती है एवं सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा राज्य के कार्यों को संपादित करती है। तो बच्चों, सरकार के इसी विभिन्न अंगों पर आज हम चर्चा करेंगे। सरकार के मूलतः तीन अंग हैं। सरकार के अंगों का चर्चा करने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहती हूँ। बच्चे, हमारा शरीर, एक शब्द में कहते हैं शरीर यानी बॉडी, लेकिन इस बॉडी में कितने ऑर्गन हैं? कौन कौन ऑर्गन है? हमारा मुंह है, हमारा नाक है, हमारा कान है, हमारा हाथ है, हमारा पैर है, हमारा दिमाग है। ये सारे हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं और ये ऑर्गन, ये अंग हमारे शरीर को संचालित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सरकार, एक शब्द है सरकार, लेकिन इस सरकार के अंतर्गत तीन चीज छुपा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि सरकार के तीन अंग हैं और इन तीन अंगों की सहायता से सरकार अपने कामों को संचालित करती है। तो आइए हम देखते हैं कि सरकार के वो तीन अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला सरकार का जो अंग है वह है लेजिस्लेटिव, जिसको हिंदी में व्यवस्थापिका भी कहते हैं। दूसरा अंग है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और तीसरा अंग है जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। तो आइए हम एक एक करके सरकार के जो तीनों अंग है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, तीनों को देखते हैं कि सरकार के लिए वो क्या काम करती है। तो इसमें पहला है लेजिस्लेटिव यानी व्यवस्थापिका।
सरकार का पहला अंग व्यवस्थापिका है। सरकार के तीन अंगों में व्यवस्थापिका का स्थान सर्वोपरि है। क्यों? लोगों के लिए, लोगों मतलब आम जनता की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को कानून के रूप में परिणित करती है। बच्चों, व्यवस्थापिका ही सरकार का एक ऐसा अंग है जिस पर कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही निर्भर करती है। ठीक है, यानी संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना है, यानी ये क्या है, एक लॉ मेकिंग बॉडी है। अब आते हैं सरकार का दूसरा अंग यानी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। कार्यपालिका से ही पता चलता है कि कार्य करने वाला कोई, यानी एग्जीक्यूट करने वाला। तो देखते हैं कार्यपालिका सरकार के लिए कौन सा काम करती है। चलिए, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छाओं को कार्य रूप में परिणित करती है। यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का कार्यान्वित करती है, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। अब आते हैं सरकार का जो तीसरा है वह है जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। यानी जुडिशियरी क्या करती है, व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया उस कानून को जो उल्लंघन करता है या जो तोड़ता है उसको सजा देती है। इसके अलावा न्यायपालिका और भी काम करती है। वो क्या करती है, नंबर वन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस यानी न्याय की व्यवस्था करती है। नंबर टू, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ यानी विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या करती है। नंबर थ्री, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की व्याख्या करती है। नंबर फोर्थ, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का अभिभावक है। संविधान का अभिभावक कैसे है, बच्चों हम जानते हैं कि व्यवस्थापिका कानून बनाती है। अगर व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून बनाती है या बनाई है जो अनकॉन्स्टिट्यूशन है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यानी संविधान के नियमों के हिसाब से नहीं है, उस परिस्थिति में अगर न्यायपालिका चाहे तो उस कानून को रद्द कर सकती है। ओके, अच्छा, नंबर फाइव है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का संरक्षक। यानी नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर जब किसी व्यक्ति, संस्था अथवा राज्य द्वारा कुठाराघात होता है तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, न्यायपालिका करती है। बच्चे हम जानते हैं कि संविधान के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है उस परिस्थिति में न्यायपालिका क्या करती है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आती है। तो इस प्रकार बच्चे हमने देखा कि सरकार के तीनों अंग अपना अपना कार्य स्वतंत्र होकर कर रहे हैं। यानी सरकार की तीनों शक्तियां, तीनों शक्तियां मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका अपना काम पृथक पृथक कर रही है। मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में थ्योरी ऑफ सेपरेशन की बात कही है। मोंटेस्क्यू ने यह अनुभव किया कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता तभी सुरक्षित रह सकती है जब सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से अलग एवं स्वतंत्र हो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए मोंटेस्क्यू ने शक्ति के एक नियंत्रण एवं संतुलन, इसको कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत को अपनाया। चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब सरकार के प्रत्येक अंग की शक्ति मर्यादित एवं सीमित होनी चाहिए। भारत में सरकार के तीनों अंग, तीनों अंग मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी स्वतंत्र होकर के काम करते हैं। बच्चों हमने सरकार के तीनों अंगों के बारे में बारी बारी से चर्चा की। अब मैं इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए, भारत में चयनित सरकार की संरचना को समझना बहुत ही आवश्यक है। इसे देश के लिए सरकार की भूमिका का पता चलता है और साथ ही इस बात को समझने में भी आसानी होती है कि क्या सरकार सही रूप से अपना काम कर रही है। बच्चों यहाँ पर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार के बारे में समझेंगे। 1947 के बाद जब संविधान बनाने की बात सामने आई
तो यहाँ पर संसदीय व्यवस्था अपनाई गई। यानी संसदीय व्यवस्था मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बच्चों आपको याद होगा क्लास 11 में मैंने सरकार के विभिन्न रूप यानी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर चर्चा किए थे। तो ये ऑलरेडी हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि संसदीय सरकार या संसदीय व्यवस्था क्या है। आगे बढ़ते हैं। सरकार के तीन अंग बनाए गए। इन तीन अंगों के कुछ अपने कार्य और पावर भी दिए गए, जिनमें से पहला है हमारा लेजिस्लेचर, जिसको हम बोलते हैं विधायिका। तो यहाँ विधायिका का काम क्या होता है? तो विधायिका का काम होता है विधेयक बनाना। विधेयक बनाना मतलब कानून बनाना, ठीक है। मतलब लेजिस्लेचर का काम देशवासियों के हित के लिए कानून बनाना होता है, जो ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके। सेकेंड है एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका। बच्चों कार्यपालिका का काम संसद में बने कानूनों को लागू करना या कार्यान्वित करना, वो भी हम डिस्कशन कर लिए हैं। और जो थर्ड है, तीसरा है, वह है जुडिशियरी, मतलब न्यायपालिका। कानून का कोई उल्लंघन करता है तो सजा देने का काम कौन करता है? जुडिशियरी। बच्चों तो एक चीज हम लोग क्लियर समझ लिए कि जो कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास है, यानी व्यवस्थापिका के पास है। और जो कानून लागू करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका के पास है। और इसको अगर कोई ब्रेक डाउन करता है, मतलब कोई इसमें लॉ को क्षति पहुंचाता है, तो उसको पनिश करने की जो शक्ति है वो किसको दिया गया है? न्यायपालिका के पास है। यहाँ पर फर्स्ट हम विधायिका की बात करते हैं, जो कानून बनाने का काम करती है। बच्चों हमारे भारत में दो तरह की सरकारें हैं, यानी भारत में संघीय सरकारें हैं। कहने का मतलब केंद्र और राज्यों की सरकारें हैं, जिससे आप अवगत हैं, क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी यहाँ दो स्तर पर सरकार बनाया जाता है, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर विधायिका में कौन कौन से होते हैं और राज्य स्तर पर कौन कौन से होते हैं, चलिए इसको जरा समझ लेते हैं। जब केंद्र के विषय में विधेयक बनाने की बात आती है, मतलब जब केंद्र के विषय में कानून बनाने की बात आती है, तो केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक इसके उल्टा। और राज्य के विषय में जो कानून बनाने की बात आती है तो वो राज्य सरकार बनाती है। मतलब राज्य सरकार का अधिकार होता है राज्य के विषय में कानून बनाना। इसको बच्चों में आपको क्लियर कर दूं, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार यानी संसद यानी पार्लियामेंट और राज्य सरकार मतलब विधानमंडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, की शक्तियों के बंटवारे हेतु तीन सूचियां रखी गई है। अब तीन सूचियां कौन कौन सी है? नंबर 1 यूनियन लिस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं संघ सूची। नंबर 2 स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची। नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। मतलब केंद्र और राज्य सरकार इन्हीं तीन सूचियों के आधार पर कानून बनाती है, ओके? तो फिर आगे बढ़ते हैं। केंद्र स्तर पर कानून बनाने के लिए जो व्यवस्था अपनाई गई है उसे संसद कहते हैं। संसद मतलब पार्लियामेंट। और राज्य स्तर पर जो व्यवस्था अपनाई गई है उसे विधानमंडल कहते हैं, यानी स्टेट लेजिस्लेचर। बच्चों यहाँ पर हम केंद्र की बात करूँ तो केंद्र में कानून बनाने के लिए संसद के दो सदन होते हैं, ठीक है, यानी टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कौन है? एक नंबर है लोअर हाउस, और जिसको हम लोकसभा कहते हैं। दूसरा अपर हाउस होता है, जिसको राज्यसभा कहते हैं। बच्चे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, पार्लियामेंट का गठन किसको किसको लेकर होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। जब राज्य स्तर की बात बोलते हैं तो विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, ठीक है। दो सदन कौन कौन से होते हैं? पहला जो सदन होता है वो विधानसभा है, दूसरा विधानसभा को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा जो सदन है वह विधान परिषद, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। बच्चों विधानसभा जो होता है वो सिर्फ सभी राज्यों के लिए आवश्यक होता है, लेकिन अगर मैं विधान परिषद की बात करूं तो विधान परिषद हर राज्य में रहेगा, यह कोई जरूरी नहीं है। अभी टोटल
सात राज्यों में ही विधान परिषद है, मतलब सात राज्यों ने विधान परिषद को ले रखा है। आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। उसमें नंबर वन है यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो बच्चों हम लोग समझ गए कि केंद्र स्तर पर संसद में कानून बनता है और राज्य स्तर पर विधानमंडल में कानून बनता है। ओके, तो बच्चों चलिए हम सेकेंड ऑर्गन यानी एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। ठीक है, कार्यपालिका में भी केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर हमारी सरकारें होती हैं। ओके, तो केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका का जो सबसे प्रमुख होता है उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। ठीक है, और वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति कार्यपालिका के सबसे प्रमुख होते हैं, सबसे हेड होते हैं, या राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। संविधान के अनुच्छेद 53 क्लॉज 1 में कहा गया है या स्पष्ट कहा गया है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। दूसरे स्थान पर आते हैं उपराष्ट्रपति और तीसरे स्थान पर आते हैं प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री जो होते हैं वह कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। ठीक है, वो कैसे, आइए उसके बारे में बताते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि देश की सरकार किसके हिसाब से चलती है, संविधान के हिसाब से चलती है। यानी देश में किसी भी पार्टी की सरकार आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी संविधान में जो भी लिखा होता है उसके हिसाब से सरकार चलती है। तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है, आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता पहुंचाने के लिए, राष्ट्रपति को मंत्रणा देने के लिए, राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि संविधान ने राष्ट्रपति को बहुत पावर दिया है, लेकिन राष्ट्रपति के पावर का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के लोग करते हैं। भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी संसदीय सरकार है। संसदीय सरकार में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता तो है लेकिन नाम मात्र का। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसके पास है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल और टिटुलर हेड ऑफ द स्टेट। ओके, चौथे स्थान पर आता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होता है, मतलब जो प्रधान होता है, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। सुविधा के लिए मंत्रिमंडल को भी तीन पार्ट में बांट दिया गया है। तीन पार्ट कौन कौन सा है, नंबर वन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको हिंदी में कहते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरा है स्टेट मिनिस्टर जिसको राज्य मंत्री कहते हैं, और तीसरा है डेप्यूटी मिनिस्टर जिसको उप मंत्री कहते हैं। तीनों के अलग काम होते हैं। मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। अब आते हैं राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर जो कार्यपालिका होती है उनके जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यपाल यानी गवर्नर। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी पूरे राज्य का हेड माना जाता है, और जो वास्तविक हेड होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि जो स्थान केंद्र में राष्ट्रपति का है वही स्थान राज्य में किसका है, राज्यपाल का है। दोनों ही कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है। फिर जो स्थान केंद्र में प्रधानमंत्री का है वही स्थान राज्य में मुख्यमंत्री का है। दोनों के पास कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति है, यानी रियल हेड ऑफ द स्टेट। केंद्र की ही तरह राज्य में भी मंत्री परिषद होता है। जो राज्य स्तर पर मंत्री परिषद होते हैं उनका विधानमंडल का सदस्य होना भी आवश्यक होता है। तो बच्चों मैं क्लियर कर दूं कि व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उस कानून को कार्यपालिका यानी हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस तरह से पालन करती है। अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में कार्यपालिका के कौन कौन से लोग हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के लोग। अगर हम राज्य की बात करें तो कार्यपालिका में कौन कौन से लोग होते हैं, फर्स्ट राज्यपाल, मुख्यमंत्री,
मंत्रिपरिषद। ये लोग यानी जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाया केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, ये लोग कार्य रूप में परिणित करते हैं, यानी जो कानून बनाया उसको कार्यान्वित करते हैं। बच्चों एक चीज मैं आप लोग क्लियर कर दूं कि राज्य सरकार के जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो सब कार्यपालिका के अंग होते हैं, ठीक। दूसरी तरफ राज्य सरकार के जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं यानी प्रेसिडेंट से लेकर के नीचे लेवल तक जो भी है वो सब कार्यपालिका के अंग है, ठीक। राज्य में भी राज्यपाल से लेकर के नीचे ग्रुप डी स्टाफ तक जो भी सरकारी कर्मचारी है वो भी कार्यपालिका के अंग है, ठीक है। यानी व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया ये लोग कार्य रूप में परिणित करते हैं। एक चीज जैसे कि टीचर, एज ए टीचर एक शिक्षक भी कार्यपालिका का अंग है। कैसे हम कहेंगे एक शिक्षक जो है वो कार्यपालिका का अंग है? देखो व्यवस्थापिका ने कानून बनाया, क्या कानून बनाया, राइट टू एडुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो ये शिक्षा देने का काम यानी जो कानून व्यवस्थापिका ने बनाया राइट टू एडुकेशन, इसको कार्य रूप में कौन परिणित कर रहा है, कौन शिक्षा दे रहा है, टीचर। यानी क्लियर होना चाहिए, क्लियर हो गया होगा कि एक शिक्षक भी कार्यपालिका का अंग है, यानी व्यवस्थापिका चाहे वो सेंट्रल लेवल में कानून बनाए चाहे स्टेट लेवल में कानून बनाए, ये लोग उसको कार्य रूप में परिणित करते हैं। अब हम चलते हैं तीसरा अंग है न्यायपालिका, मतलब जुडिशरी कानून व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए तथा कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करने का काम जो होता है वो न्यायपालिका का होता है। मतलब सबको समान न्याय सुनिश्चित करना न्यायपालिका का असली काम होता है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र तथा एकीकृत है। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, एकीकृत मतलब यूनिफाइड, ठीक है। तो भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का जो अपर लेवल है उसको हम क्या कहते हैं, वो जो शीर्ष पर है वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसका प्रधान कौन होता है, चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के निचले स्तर पर जो आता है वह है हाई कोर्ट, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो बच्चों हम यह देखते हैं कि भारत में न्यायपालिका का आकार एक पिरामिड के समान है, जिसके शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, उसके नीचे हाई कोर्ट यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट होता है, कभी कभी दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के अधीन अनेक सहायक न्यायालय होते हैं जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय या सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं, ठीक है। तो बच्चे न्यायपालिका यानी जुडिशियरी जो निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर कार्य करती है। न्यायपालिका के बारे में ब्राइस का कहना है कि अगर न्याय का दीपक अंधेरे में बुझ जाए तो वह अंधेरा कितना गहन होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी इफ द लैम्प ऑफ जस्टिस गोज आउट इन डार्कनेस हाउ ग्रेट इज दैट डार्कनेस, ठीक है। यानी प्रजातंत्र की सफलता मुख्यतः न्यायपालिका की कुशलता एवं स्वतंत्रता और न्यायाधीश की निष्पक्षता पर निर्भर करती है। बच्चों हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका ही सरकार का वह अंग है जो विधान पालिका और कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगा सकती है या लगाती है। तो बच्चों हमने देखा कि सरकार के ये तीनों अंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी किस तरह से अपना काम इंडिपेंडेंट होकर के स्वतंत्र होकर के कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि सरकार के ये तीनों अंग अपना अपना काम अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है या सरकार अपने कामों को इन तीनों अंगों की सहायता से संपन्न करती है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का टॉपिक ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार के अंग समझ में आया होगा। आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।